मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सिवान से सुबह से लगातार हो रही बारिश के बाद बिजली गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौजे महवारी की ये घटना है जहां पे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। करीब 3 से 4 लोगों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है, बाकी लोगों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया है। आज सुबह की ये घटना है, 8:30 बजे की घटना है जहाँ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौजे महवारी में एक चाय दुकान है और उसी में एक किराना दुकान है जहाँ गाँव के लोग बैठ कर चाय पी रहे थे, कुछ लोग सामान ले रहे थे, तभी ये घटना घटी है और वहाँ पे अचानक से बिजली गिरी है। जो स्थानीय जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि एक ब्लास्ट हुआ जिसके बाद सब लोग तितर बितर होकर गिर गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 3 से 4 लोगों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है जबकि अन्य लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले गया है। घायलों में धुरंधर गुप्ता, उपेंद्र गुप्ता, अजहरुद्दीन अली, मुमताज मियाँ, अब्बास मियाँ, भूरा मियाँ, निसार मियाँ, शमशेर साई, एजाज अली, सुनील सहनी और रमेश सहनी है। फिर से हम आपको बता दें जो घायल हैं उसमें धुरंधर गुप्ता, उपेंद्र गुप्ता, अजहरुद्दीन अली, मुमताज मियाँ, अब्बास मियाँ, भूरा मियाँ, निसार मियाँ, शमशेर साई, एजाज अली, सुनील सहनी और रमेश सहनी, ये सभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौजे महवारी के हैं। जो लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल के लिए इलाज में भर्ती किया गया है, 3 से 4 लोगों का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल धुरंधर गुप्ता ने बताया कि सुबह सब लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए थे, किराना दुकान पे कोई सामान ले रहा था, तभी अचानक एक तेज विस्फोट हुआ और वहाँ पे बिजली गिरी, तेज विस्फोट के साथ बिजली भी गिरी और सभी लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए लाया गया। घटना भई दुकान पर रनिंग है, हां दुकान साथ में जो बंद है वो जो कितना लोग घायल, 6-7 आदमी घायल, कोई नुकसान नहीं हुआ? अब नुकसान बा है, अब जो है कहीं छितराइल बनी, जो घर के लोग छितराइल बस देख के 6-7 लोग घायल हुआ। हाँ 6-7 घायल। कहाँ की घटना है? महुआरी के दुकान पर, बच्ची की दुकान, किराना के दुकान, वो जो सब सब लोग गांव के अभी के परिवार के ना, गांव के और लोग का, सब गांव के लोग का। नाम बता दिए तुम हमारा? कैसे घटना घटा है? और किराना दुकान था, किराना दुकान पर हम लोग बैठे थे 8-10 आदमी और चाय भी वहाँ बनता था, चाय भी बनता था, कोई चाय पी रहा है, कोई बात कर रहा है और एक बार अचानक हुआ बम जैसे फटा गया, सारे आदमी जहाँ का तहाँ गिर गए, कोई कहीं फेंका गए, कोई कहीं फेंका गए, कोई कहीं फेंका गए, सब लोग घायल हो गए हैं। हाँ घायल हो गए हैं सब, कोई 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 ज़्यादा है, कोई का कम है, किसी को नहीं, किसी को मौत वाला समस्या नहीं है लेकिन सब कोई घायल है। हाँ सबको इलाज के लिए, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया, हम लोग 3-4 आदमी यहाँ पे आए हैं। कहाँ की घटना है? मौजे महवारी सिवान जिला में पड़ता है। बारिश हो रहा था वहाँ पे, आगे पलानी डाला हुआ था, सब लोग वहीं पे लुकाया हुआ था, कुछ आदमी बातें कर रहा है, कुछ आदमी चाय पी रहा है, कुछ आदमी सामान ले रहा है, उसी में बिजली गिर गया। चाय दुकान था और किराना दुकान दोनों है। हमारा नाम धुरंधर गुप्ता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समाज सेवी श्रीनिवास यादव हैं जो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या कुछ मामला है यहाँ पे। ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौजे मोहारी गांव की घटना है और किराना और चाय की दुकान पर सारे लोग बारिश हो रहे थे, उसमें बैठे थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से मैंने आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिनका सदर अस्पताल में कुछ लोग आए हैं अभी इलाज चल रहा है, कुछ लोग रास्ता में आ रहे हैं, उनको भी भर्ती करा के इलाज कराने का काम किया जाएगा। अगर निश्चित तौर पर यह अनहोनी घटना है, इसको कोई आपदा रोक नहीं सकता, प्राकृतिक आपदा है, ताकि हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो व्यक्ति घायल है उसको इलाज कराने के लिए समुचित व्यवस्था किया जाए और आगे जो आपदा से बचने का कुछ दिन पहले जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश निकला था कि 24 घंटा पहले बता दिया जाएगा कि किस एरिया में गिरेगी, ताकि उसका पालन अभी नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं हो रहा है किसी भी माध्यम से, तो हम जिला पदाधिकारी से मांग करेंगे कि उस तरह का मैसेज को अधिक से अधिक फॉरवर्ड किया जाए कि लोग को जानकारी हो जाएगा तो अपने एरिया में लोग सतर्क। आपने बताया कि प्रशासन ने कहा था कि बिजली गिरने से आधे घंटे पहले गाँव के लोगों को सूचना दी जाएगी, तो क्या माना जाए कहीं ना कहीं लापरवाही है इसके
अगर सूचना दी गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की सूचना दी गई रहती तो सारे लोग सतर्क रहते, अपने घर में रहते, ये स्वाभाविक है। तो इस तरह का व्यवस्था अगर होता है, अगर सरकार इस पर तत्पर है जिस तरह पेपर न्यूज में आया था, तो निश्चित तौर हम कहेंगे कि पालन करने की आवश्यकता है। मैसेज अवश्य दिया जाएगी ताकि लोगों को जानकारी। कितने लोग घायल है इसमें? अभी यहाँ 3 आदमी आए हैं, रास्ता में और लोग आए, बाकी 8 आदमी, लगभग 8 आदमी लोग घायल है। बाकी सबकी स्थिति नॉर्मल है? सब लोग नॉर्मल है, स्थिति अभी नॉर्मल। घटना तो नहीं, कोई दुखद घटना नहीं है। चलिए, श्रीनिवास यादव जी है और अभी यहाँ पे 3 लोग सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, बाकी लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। और श्रीनिवास यादव ने कहा कि प्रशासन की तरफ से एक सूचना जारी की गई थी कि जिस इलाके में बिजली गिरने वाली है उस इलाके में आधा घंटे पहले सूचना दी जाएगी। हालांकि ये सूचना नहीं दी गई, अगर ये सूचना दी गई होती तो शायद 8 लोग घायल नहीं होते। सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस।